Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will learn that how to write a resume. So, अगर आप एक experienced professional हैं या फिर आप एक freshers हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे एक ऐसा resume लिखना है जो कि आपको आपकी desirable job दिलाएगा. So, as we know, resume plays a very very big part in the process of hiring. So, मैं आपको resume लिखना बताऊंगी, आप कैसे उसका pattern रखें, क्या format रखें, क्या क्या चीज़ें include करें, क्या क्या चीज़ें ना करें, क्योंकि एक अच्छा resume आपकी selection के rate को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है और एक गलत resume आपको actually rejection दिला सकता है from your desirable job. So, I hope that this video will be helpful to you. So, देखते रहें and okay, let's start today's video. Okay, so starting from कि resume क्या होता है. Actually, resume एक document है जो कि आप HR professional को send करते हैं, mail करते हैं या फिर जब भी आप कोई job apply करते हैं, आपको अपना resume first level पे देना होता है. So, एक बार जब HR आपका resume देखता है, ठीक है, तब decide करते हैं कि आपको actually interview का call आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए. So, ये चीज़ decide होती है केवल आपके resume को देख के. एंड थ्रू रिसर्च में पता चला है कि कोई भी इंसान आपके रेज्यूमे को केवल 6 से 10 सेकंड तक देखता है, उसमें डिसाइड करता है कि उसे रेज्यूमे को और पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि कंपनीज के पास हंड्रेड्स और थाउजेंड्स मतलब डेली के रेज्यूमेज आते हैं, ठीक है, बिकॉज पीपल कीप अप्लाइंग. तो आपका रेज्यूमे स्टैंड आउट करे या फिर उसमें कुछ मतलब इफ़ यू आर अ गुड कैंडिडेट, तो आप कैसे अपने सारे स्किल्स जो हैं, आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो कैसे लिखें कि आप हायरिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ सकें, ठीक है. सो ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप इज आप कहाँ से अपना रेज्यूमे बना सकते हैं. सो सारे फ्री में सॉफ्टवेयर बताऊंगी. सो फर्स्ट कुड बी योर कैनवा. कैनवा में फिल सी बहुत सारे टेम्पलेट्स आते हैं, ठीक है. सो दे आर प्लेंटी ऑफ टेम्पलेट्स, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है, उसको जाके आपको देख लेना है और उसको चूज कर लेना है. सेकेंड आप देख सकते हैं गूगल डॉक्स में. सो कैनवा में कुछ आपको शायद से पेड होंगे, पर फ्री भी बहुत सारे हैं, तो आप फ्री के टेम्पलेट्स चूज कर सकते हैं. और गूगल डॉक्स में आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिखेगा रेज्यूमे का, आपको जाके उसमें अपना रेज्यूमे बना देना है. ओके, सो स्टार्टिंग में आपकी एक होती है पिक्चर. नाउ टॉकिंग अबाउट द पिक्चर, आपको एक प्रोफेशनल पिक्चर अपनी सीवी में लगानी है. मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स को भी देखती थी, इवन मैंने कुछ कैंडिडेट्स देखे थे व्हेन इवन आई वाज अप्लाइंग, कि कुछ कैंडिडेट्स की पिक्चर ऐसी होती थी आर सो अनप्रोफेशनल, मतलब वो ऐसे यू नो मिरर सेल्फी डाल देंगे या फिर जब वो पार्टी में गए. नहीं, आपकी रेज्यूमे में आपकी पर्सनैलिटी दिखानी चाहिए और अपनी जॉब के लिए, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली आप एक प्रोफेशनल लगने चाहिए उस पिक्चर में, राइट. सो एक डिसेंट सी पिक्चर क्लिक करानी है, ठीक है, जिसमें आप स्ट्रेट फेस देख रहे हैं, जिसमें आपकी आपका फेस स्ट्रेट है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा ही ऐसा कुछ नहीं चलेगा. ओके, सो एक स्ट्रेट सा आपका एंगल होना चाहिए, आपको एक प्रोफेशनल ड्रेस पहनी होनी चाहिए. ओके, एंड आप इसे स्माइलिंग सा अच्छी सी पिक्चर जो आपकी अच्छी लगे. ओके, सो आपको वो पिक्चर वहाँ पर लगानी है, एक डिसेंट प्रोफेशनल पिक्चर आपको वहाँ पर लगानी है. ओके, एंड सेकेंड येस, आपका बैकग्राउंड ज़्यादा कुछ मैसी नहीं होना चाहिए, आपके हाईलाइट आपके फेस पे ही होना चाहिए, ठीक है. तो ऐसे नहीं कि आप कहीं ऐसी जगह जा रखें जहाँ पे बैकग्राउंड पे ज़्यादा नोटिस हो रहा है. सो मेक श्योर आप एक अच्छी सी पिक्चर जैसे वॉल किसी भी प्लेन वॉल के सामने क्लिक करवा सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक अच्छे से डिसेंट कपड़े पहने हुए. नाउ सेकेंड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स. ओके, सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका मोबाइल नंबर पहले होना चाहिए, ताकि अगर उनको आप पसंद आए या आगे आप चाहते हैं, वो आपको अगर चाहते हैं आगे हायर करना, तो आपको कॉल कर सके. सेकेंड, ईमेल, ठीक है. नॉट टॉकिंग अबाउट द ईमेल, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जिनके लाइक ईमेल आईडीज में ना ऐसी होती है लकी, हैप्पी गो लकी एंड प्रिंसेस गर्ल, मतलब ये सब आईडीज होती हैं, ठीक है. तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सिर्फ ये देखते हैं, उनको लगता है कितना अनप्रोफेशनल बंदा है बंदी है ये, ठीक है. सो वो आगे प्रोसेस करेंगे ही नहीं आपका जो सीवी है, ठीक है. सो मेक श्योर कि आपका जो ईमेल आईडी हो वो प्रोफेशनल वाला देना. और ऑल्सो वन थिंग, ऐसा नहीं कि आपका नाम, जैसे मेरा नाम पूजा नेगी है, सो मैं अपने आगे लिख दूँ पूजा नेगी 3 4 5 6 7 8, हाँ, ठीक है. मेरी ईमेल आईडी में मतलब कुछ डिजिट्स चलेंगे, लाइक आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, सिंपल 3 4 चलता है, ऐसा नहीं बहुत ऐसा फंकी सा नाम नहीं रखना है, डिसेंट सिंपल सा नाम रखो अपनी ईमेल आईडी का, ठीक है, प्रोफेशनल होना चाहिए. एड्रेस आप इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है. एड्रेस करना है तो इंक्लूड करो, नहीं करना है तो इट्स ओके, बट फोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आपका आएगा वर्क एक्सपीरियंस. सो अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, तो आपने जो भी किया होगा पास में, ठीक है, आप जिस भी कंपनी में काम करके आ रहे हैं, या फिर मी बिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं किस यूनिवर्सिटी में काम करके आ रही हूँ, किस कॉलेज में काम करके आ रही हूँ, या फिर मैंने अगर किसी मीडिया हाउस में कुछ काम करा है, तो मेरे को वहाँ पे वो लिखना है, सारा एक्सपीरियंस काउंट करना है, ठीक है. एंड मेक श्योर इधर से इंटर्नशिप, फ्रीलांस या फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, जो भी आपने किया है, सब कुछ आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा. सो डोंट हेजिटेट कि मतलब मैंने ये सिर्फ 1 महीने के लिए किया था, अगर 1 महीने के लिए भी किया था तो भी मेंशन करना,
ओके, अनटिल अनलेस वो आपकी एक्चुअली, अगर आपने बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है, लाइक आपने 10 कोई ऐसे 10 जगह काम किया है, सो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबसे हाईलाइट पे आपको उन्हीं को रखना है और ज़्यादा नहीं लिखना है एक्सपीरियंस। मुझे लगता है 4 एक्सपीरियंस आप काउंट करवा सकते हैं, 4 से 5, ऐसा नहीं कि 10 के 10 छाप दिए, छोटा मोटा काम भी जो करा वो भी कर दिया, ठीक है। और 4 से 5 वो एक्सपीरियंस होने चाहिए जो एक्चुअली मैटर करेंगे आपकी जॉब प्रोफाइल के लिए। जो प्रोफेशनल है वो आपका रेज्यूमे देखे, उसको लगे कि ठीक है, मतलब इसने ये सब काम किया है तो ये हमारी कंपनी को हेल्प करेगा या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा। सो हैव टू मेक श्योर कि आपके सारे वो जो एक्सपीरियंस है वो उस चीज़ को हेल्प करें आपकी नई जॉब को पाने के लिए। ओके, नेक्स्ट यू हैव टू राइट योर अचीवमेंट्स एंड योर अवार्ड्स। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप किसी भी कंपनी में लाइक फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने वहाँ पे सेल्स में काम किया है, मार्केटिंग में अगर कोई काम कर रहा है तो आपने कैसे हेल्प करी उनके रेवेन्यू जनरेट करवाने में, आपने क्या क्या क्लाइंट्स लेके आए, क्या किया, तो आपको वो अचीवमेंट्स वहाँ पे काउंट करवानी है, ठीक है। सो नाउ मी बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, मैंने अपनी अचीवमेंट में लाइक इफ आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे मेंशन करा है कि आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट बिकॉज ये मेरा हाईलाइट है। एजुकेशन के फील्ड में मैंने क्या अच्छा किया मैं वहाँ पे लिखवाऊंगी, ठीक है, या टीचिंग में मैंने कुछ ऐसा किया था एक्सेप्शनल, मुझे कोई अवार्ड मिला है, मुझे कोई रिकग्निशन मिला है, मैं इंटरनेशनली कुछ कॉन्फ्रेंस हुआ, ये हुआ एंड आई वॉज रिकग्नाइज फॉर समथिंग गुड, तो मैं वहाँ पे वो मेंशन करने वाली हूँ। तो आपके अचीवमेंट्स और आपके अवार्ड्स में वो सब कुछ आपने थोड़ा डिफरेंट करा है कि जब आपका वो जो रिक्रूटर है वो आपका अगर जब रेज्यूमे देखे तो उसको लगे कि इसने ये चीज़ करी है, दिस इज समथिंग वेरी गुड, है ना, तो ये कैंडिडेट हमारे उसमें एक्चुअली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छा ही ऐड करेगा। जो रिक्रूटर है उसको ये लगना चाहिए कि ठीक है, दिस इज अ गुड कैंडिडेट। नाउ नेक्स्ट, आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी होती है, लाइक अपना 10th 12th वैसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अनटिल अनलेस आप अपने ग्रेजुएशन से स्टार्ट करें, आपके पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री नहीं है तो आप 10th और 12th लिख सकते हैं। बट जैसे आई हैव डन माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों, तो मैंने अपनी CV में सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स लिखे और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स लिखे, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हम मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो मैंने क्या मेंशन करा, मेरी ग्रेजुएट, अब मेरे लिए मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है, मैं क्योंकि अकेडमिक्स के फील्ड में हूँ तो मेरे लिए मार्क्स बहुत मैटर करे और मेरे मार्क्स अच्छे थे तो मैंने हाईलाइट करवाया है, ठीक है। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं और आप किसी और कंपनी टेक्निकल या किसी और चीज़ में देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है मार्क्स लिखने, मेरे मार्क्स अच्छे थे तो मैंने हाईलाइट करवाया है, आपके मार्क्स भी अच्छे हैं तो लिख लो, और अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अगर उनको फ़र्क पड़ेगा तो आपसे इंटरव्यू के टाइम पूछ भी सकते हैं इस चीज़, ठीक है, मार्क्स पूछ लेंगे, बट अगर अच्छे हैं तो मेंशन कर लो। और मेरे अच्छे थे तो मैंने वो मेंशन करवाया क्योंकि आई वांटेड देम टू नो कि हाँ, मतलब मैंने अच्छा स्कोर करा है, मैंने नीचे लिखा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ये है, तो मतलब ठीक है, जो भी अच्छे पॉइंट्स थे मैंने वो हाईलाइट करवाए हैं। ओके, सो अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है, तो आप 10th 12th का मार्क्स लिख सकते हैं, अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया तो सिर्फ ग्रेजुएशन और मास्टर्स का लिखना, ठीक है। एंड ऑल्सो वन थिंग कि आपको ना ऐसा ये सब अब नहीं लिखना होगा कि मैंने इस टाइम पे जब मैं 10th में था तो मैंने ये ओलंपियाड जीता था, ये मतलब अब थोड़े बड़े हो गए हो तो आई डोंट थिंक अनटिल अनलेस हमने नेशनल लेवल में कुछ जीता है और वो उससे रिलेटेड है तो ही लिखना, अदरवाइज इतना पास्ट की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्रिकेट टूर्नामेंट में था, मैंने ये किया, मैंने मॉडलिंग में ये जीता था, मॉडलिंग में अप्लाई करो तो करो, अदरवाइज नहीं कर रहे हो तो वो अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो मत लिखना, ठीक है, बिकॉज जो रेज्यूमे है ना वो कोई इंसान वैसे स्कैन करता है और अगर आपने उसमें इतनी बकवास लिखी होगी तो जो आप एक्चुअली हाईलाइट होना चाहिए वो मिस हो जाएगा। ओके, सो बकवास नहीं लिखना है, सब कुछ अच्छा लिखना है, ठीक है, जो आप चाहते हैं कि रिक्रूटर पढ़े, और कम से मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए आपके रेज्यूमे में, देखो जितनी ज़्यादा आप कचरा उसमें भर देंगे वो अच्छा मटेरियल छाड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ वो लिखो जो आपको लगता है ये मैटर करता है, ये बस मेरा रिक्रूटर पढ़ ले और मुझे हायर कर ले। नेक्स्ट आपको लिखनी है स्किल्स, स्किल्स में आपकी सॉफ्ट स्किल्स हो सकती हैं, आपकी हार्ड स्किल्स हो सकती हैं, ना सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा वन क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छी है, ठीक है, आपका टीम वर्क बहुत अच्छा करते हैं, हार्ड स्किल्स आप टेक्निकल एस्पेक्ट पे देखें तो आप यू नो प्रीमियर प्रो चलाना आता है, आई नो वीडियो एडिटिंग, आई नो दिस डिजाइनिंग, ठीक ना फलाना, हार्ड स्किल्स ये वाली हो गई, तो कि जो भी स्किल्स हैं वो आपको वहाँ पे मेंशन कर देनी है। ना स्किल्स को देख के अगर आपको कन्फ्यूजन है तो गूगल में देख सकते हैं सॉफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स और उसमें बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, तो आपको जो भी लगता है कि हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, वो सब लिख दो, ज़्यादा स्पेस नहीं घेरना इससे, बट थोड़ा बहुत सब में मेंशन कर दो, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट, अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपके पास काफ़ी कुछ होना चाहिए कि आपने इस कंपनी में ये काम किया, आपने मतलब यहाँ पे ये सब कुछ अचीव करा, इससे आपने ये सीखा, तो ऑलरेडी आपके पास थोड़ा मटेरियल होगा। नाउ इफ यू आर समवन हु इज़ अ फ्रेशर, सो फ्रेशर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है CV बनाना बिकॉज उनको लगता है कि मतलब हम क्या ऐड करें। सो एज आई ऑलवेज से कि अगर आप एक फ्रेशर हैं, ठीक है, तो आप समवेयर पार्ट टाइम या फ्रीलांस के थ्रू अपना CV बिल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहें। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा से यही सजेस्ट करती हूँ कि CV बिल्ड करने के लिए काम करते रहो,
तो बैक एंड आपको काम करते रहना है, फ्रीलांस काम करो ठीक है, और सम टाइम आप अनपेड काम भी कर सकते हैं, बिकॉज वो आपके सीवी में एटलीस्ट रिफ्लेक्ट होने वाला है कि चलो इस इंसान ने ये काम किया, अच्छा ये सीखा है। कॉलेज के टाइम पे इंटर्नशिप्स करो ताकि आप वहाँ पे कुछ लिख सकें, ओके। एंड सेकेंड, अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अभी कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पे लिख दो। आप वहाँ पे एक्सप्लेन करो कि आपको क्यों इस जॉब में इंटरेस्ट है, क्यों आप इंटर्नशिप या तो करना चाहते हैं, या फिर आपको मतलब जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और जो भी आपको हेल्प करेगा टू हायर, वो वहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है। एंड ऑल्सो एज आई ऑलवेज से, सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग, तो वहाँ पे मेंशन कर लो कि ठीक है मैंने यूडेमी या कोर्सेरा से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा है, तो रिक्रूटर को लगेगा कि ठीक है चलो उसने कहीं से ये चीज स्पेसिफिक पढ़ी तो है, ऐसे कुछ तो नॉलेज होगा, ठीक है, और ये नॉलेज को इंप्लीमेंट कर पाएगा हमारी कंपनी में। तो इसलिए मैं कहती हूँ साइड बाय साइड, अगर आप कॉलेज भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोर्सेज करो, फ्रीलांस काम करो, अपने सीवी को अच्छा बिल्ड करो। नाउ आई वांट टू गिव यू सम पर्सनल टिप्स ऑन बिल्डिंग अ गुड रेज्यूमे। आपको अपना रेज्यूमे जो भी जॉब पोस्ट आप देख रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग मिलकर, नाउ इफ यू आर समवन हु इज अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, बट आपका सीवी ऐसा बिल्ड हो रखा है जिसमें कि आपको हायर होगा, आप हायर होने चाहिए एज अ कंटेंट राइटर, तो फिर कैसे वहाँ पे मतलब आपका वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी, या फिर कैसे रिक्रूटर डिसाइड करेगा कि उसको आपको हायर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिस भी जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना रेज्यूमे बिल्ड करें। तो एक ही रेज्यूमे को 100 जगह मतलब नहीं डालना है, सेम टाइप की सेम पोस्ट के लिए डालना है, अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग रेज्यूमे अपने बनाने चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील एंड आई हैव सीन कि ये काम करता है। ऐसा नहीं कि आप किसी और जॉब पोस्ट के लिए डाल रहे हैं बट आपका रेज्यूमे कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, रिजेक्शन से नहीं डरना है, ठीक है। रेज्यूमे डालो, जीतने नहीं डाल सकते हो डालो, 10 जगह, 50 जगह, 100 जगह, 100 के बाद जाके शायद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो अंडरस्टैंड कि शायद आपके रेज्यूमे में कुछ गलती है। अदरवाइज रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। आपको रिजेक्शन मिलेंगे बट येस देन देर विल बी अ कंपनी विच इज़ गोइंग टू हायर यू। सो हैव पेशेंस एंड करते रहो अप्लाई, जहाँ भी आपको लगता है कि ठीक है दिस एज अ वैकेंसी, वहाँ पे अप्लाई कर दो। शायद आपको इंटरेस्ट भी नहीं हो, अगर आपको इंटरव्यू के लेवल तक भी जाने का मौका मिलता है, यू विल गेट दैट एक्सपीरियंस विच विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट कि एक कंपनी के पास डेली के 50-100 या उससे ज़्यादा रेज्यूमेज आते हैं, ठीक है, तो आपका रेज्यूमे स्टैंड आउट करिए कैसे होगा। सो इफ यू नोटिस ना, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो एक टाइप का टेम्पलेट है, ठीक है, वो ही कॉपी पेस्ट मारते हैं और सबका फिर रेज्यूमे और जो सीवी है ना वो बहुत ही सेम सा दिखता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे थोड़ा अलग दिखे, तो आप बिल्कुल ऐसे यूजुअल पैटर्न को ही फॉलो ना करें, ठीक है। डू समथिंग डिफरेंट विद योर रेज्यूमे, आई एम नॉट सेइंग कि इसको बिल्कुल ऐसे क्रिएटिव बनाएंगे, रंगीन बना दो, नहीं, आपका रेज्यूमे प्रोफेशनल लगना चाहिए, कीप इट डिसेंट बट अ लिटिल डिफरेंट, ओके। एंड सेइंग कि आपका रेज्यूमे थोड़ा स्टैंड आउट कैसे करना चाहिए, तो आपको जो भी लगता है आपके रेज्यूमे में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, उसे हाईलाइट कर दो ना, इधर राइट इट इन बोल्ड लेटर्स या फिर उसे टॉप पे लिख लो। अगर आपको लगता है कि अचीवमेंट्स और अवार्ड्स कुछ ऐसे हैं जो कि रिक्रूटर को देखने ही चाहिए ना, तो ऊपर वो मेंशन कर देना, ठीक है, मतलब टॉप पे ऐसे मैन। और अगर आपको लगता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, तो आप पहले सेक्शन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ सेइंग दैट, आपको टॉप से ऐसे स्टार्ट करना है जो आपको लगता है कि आपको हेल्प करेगा टू गेट योर जॉब, ठीक है, तो टॉप पे कुछ अच्छी चीज़ें लिखना जो आपको लगता है हाईलाइट होनी चाहिए, और बॉटम में वो लिखना जो आपको लगता है कि शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी बहुत अच्छी है और आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, तो वो टॉप पे लिख लो, ठीक है। अगर वो इतने अच्छे नहीं है तो उनको नीचे बॉटम में लिख लो, ठीक है। अगर आपने जैसे इफ आई हैव क्वालिफाइड नेट, ठीक है, व्हेन आई क्वालिफाइड नेट, तो जब भी मैं अप्लाई कर रही थी किसी भी यूनिवर्सिटी को, तो मैं ऊपर ना मैं लिखा रहता था ना, नेट क्वालिफाइड एंड आई क्वालिफाइड माई नेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट, तो वो मैं वहाँ पे हाईलाइट करती थी ताकि जब वो उनकी नज़र पे जाए रिक्रूटर के, ठीक है। सो जैसे उसी अकॉर्डिंग आपको सेट करना अपने रेज्यूमे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है या जो बिल्कुल हाईलाइट होना चाहिए उसको ऊपर रख दो, और जो सबसे अच्छा या इंपॉर्टेंट है उसको सबसे टॉप पे रख लो, जो आपको लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर रिक्रूटर ना भी देखे तो चलेगा, उसको सबसे बॉटम में लिखो। एंड ऑल्सो वन थिंग कि बी रेडी, अपना रेज्यूमे हर जगह आपको अप्लाई करना होगा। इफ यू रियली वॉन्ट द जॉब यू नीड टू हैव पेशेंस, ठीक है, और डोंट लूज होप, अप्लाई करते रहो, यू विल गेट रिजेक्शन इन फर्स्ट फ्यू कंपनीज माइट गेट रिजेक्शन, बट लेटर ऑन आपको जॉब मिल जाएगी। एंड बस आपको ये कि आपको ट्राई करते रहना है, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि ऐसे कहते हैं कि मैंने तो इतनी जगह अप्लाई करा, तो मैं पूछूँ कितनी जगह, कहते हैं हमने 5-6 कंपनीज में डाल दिया है, बट 5-6 कंपनीज दीज डेज आर नॉट लाइक
समथिंग की इतने बहुत ज़्यादा कंपनी से अप्लाई कर दिया है, बिकॉज आजकल के बच्चे 50-100 कंपनी से भी अप्लाई करते हैं, एंड दैट इज़ ट्रू। जहाँ पे कोई जॉब वैकेंसी दिखे जाके बस करते रहो कि ठीक है अप्लाई 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 अप्लाई, इस प्रोसेस में जाते रहो एंड यू विल सून गेट दैट जॉब। सो ओके, सो दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई रियली होप दैट दिस वॉज हेल्पफुल। टू लेट मी नो अगर आप इसमें कोई और सीरीज चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। सो येस, आप कॉमेंट करें एंड कीप शेयरिंग योर लव एंड सपोर्ट, और फीडबैक भी दे सकते हो नीचे। एंड अगर आपकी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो होगी तो एज़ यू नो मैं उसमें वीडियो बनाऊंगी। सो येस, दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय, टेक केयर।